दोस्तों तुला राशि को अगर समझे तो तुला का मतलब ही होता है तराजू, यानी कि चीज़ों को बैलेंस करना। तुला राशि चर राशि है, वायु तत्व की राशि है, शुक्र इसके स्वामी है और काल पुरुष के जन्मांक में ये सातवें भाव में पड़ती है। तुला राशि समझौता करना, नेगोशिएशंस, बार्गेनिंग, मोल भाव करना, कूटनीति, रिश्तों में शांति लाना, लोगों को जोड़ना, इस तरीके के गुण तुला राशि में होते हैं। क्योंकि ये सातवें भाव की एनर्जी लिए हुए होती है तो फर्स्ट भाव के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करती है, अदर पीपल को रिप्रेजेंट करती है। तुला राशि व्यापारिक स्थल भी है। इन्हीं गुणों के कारण ईगो, प्राइड, डोमिनेटिंग नेचर, इन सब का कारक सूर्य तुला राशि में नीच का फल देता है और अनुशासन, बाउंड्रीज, रियलिटी ऑफ लाइफ, इन सब का कारक शनि यहाँ उच्च हो जाता है। शुक्र तुला राशि के स्वामी हैं तो सुंदरता, क्रिएटिविटी, सिनेमा, ग्लैमर, इसको भी तुला राशि रिप्रेजेंट करती है। सातवें भाव की एनर्जी होने के कारण तुला राशि में तुला राशि शादी और पार्टनरशिप को भी रिप्रेजेंट करती है। तुला राशि जिस भाव में होती है उस भाव के कारकत्व संबंधी फल को संतुलित यानी बैलेंस करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे तुला राशि अगर सातवें भाव में है तो वैवाहिक जीवन में संतुलन को लेकर आपको काफ़ी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। चौथे भाव में है तो जो फैमिली एनवायरनमेंट है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है, उसको ठीक कर रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कुंडली के अगर मुख्य ग्रह अगर तुला राशि में है तो आपका व्यक्तित्व संतुलित होता है, संवेदनशील भी होते हैं आप, सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, खराब स्थितियों को संभालने में बहुत एनर्जी खर्च करते हैं। दोस्तों वृश्चिक राशि को अगर समझें तो वृश्चिक राशि जलीय राशि है, स्थिर स्वभाव की है, मंगल वृश्चिक राशि के स्वामी हैं और काल पुरुष के जन्मांक में ये अष्टम भाव में पड़ती है। वृश्चिक राशि का जो वास है वो छिद्र माना जाता है, यानी कि होल जो अंडरग्राउंड रहता है। वृश्चिक राशि अचानक उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, अर्श से फर्श पर आना, फर्श से अर्श पर आना, इस तरीके के गुण लिए हुए होती है। गुप्त चीज़ों की कारक है, गुप्त ज्ञान जैसे कि अकल्टिज्म, गुप्त रिश्ते, गुप्त जानकारी, सिक्रेसी का साइन है, चीज़ों को गुप्त तरीके से करना। वृश्चिक राशि के इन्हीं गुणों के कारण चंद्रमा इसमें नीच हो जाता है, क्योंकि वृश्चिक राशि में साइकोलॉजिकल बैगेज बढ़ाने की टेंडेंसी होती है। अगर कुंडली के मुख्य ग्रह आपके वृश्चिक राशि में हैं तो बुद्धि आपकी तीक्ष्ण होगी, शार्प माइंड, घटनाओं को ना भूलना, साइकोलॉजिकल बैगेज को बढ़ाना, ये आपके स्वभाव में होगा, चीज़ों को आप गुप्त रूप से करेंगे। दूसरों की गुप्त जानकारी का फ़ायदा उठाना, ये गुण भी आपके स्वभाव में होंगे। रिवेंजफुल, बदला लेने की प्रवृत्ति भी आप में देखने को मिलेगी। दिमाग पर बहुत जोर डालते हैं। इंट्यूटिव पावर, पूर्वाभास की जो शक्ति होती है वो वृश्चिक में अच्छी होती है। वृश्चिक राशि में अष्टम भाव की एनर्जी होती है, क्योंकि ये काल पुरुष के जन्मांक में अष्टम भाव में पड़ती है, तो प्रॉब्लम्स यानी कि पीड़ा की कारक भी है। जिस भाव में वृश्चिक राशि होगी उस भाव के फल में इसका फल शामिल हो जाता है। वृश्चिक राशि अगर छठे भाव में है तो गुप्त शत्रु आपके बहुत होंगे, उनसे आप परेशान रहेंगे। अगर वृश्चिक राशि पंचम भाव में है तो शिक्षा व संतान को लेकर आपको समस्या हो सकती है। वृश्चिक राशि अगर आपके दसवें भाव में है तो कैरियर में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, कैरियर को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। ये परेशानी आपकी तब तक रहेगी जब तक आप अपनी कैरियर से संबंधित जो प्लानिंग है उसको गुप्त नहीं रखते हैं। धनु राशि की अगर बात करें तो धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है, दृढ़ स्वभाव राशि है, काल पुरुष के जन्मांक में नौवें भाव में पड़ती है। गुरु यानी बृहस्पति धनु राशि के स्वामी हैं। धनु राशि आपकी जो मान्यताएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, बिलीफ सिस्टम है जो आपका, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो उसकी कारक है। आपके गुरु तथा पिता का जो मार्गदर्शन है, जो गाइडेंस है, उसको रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा आपका लक यानी कि भाग्य, उसकी कारक धनु राशि है। जो भी डिवाइन नॉलेज होती है, दिव्य ज्ञान और दार्शनिकता, फिलोसफी, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की जो शिक्षा रहती है, पीजी एजुकेशन और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, इन सब की कारक धनु राशि है। अगर कुंडली के आपके मुख्य ग्रह अगर धनु राशि में है तो आप अपनी धार्मिक व पारिवारिक जो मान्यताएं हैं उसको फॉलो करेंगे, ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले होंगे। आध्यात्मिक पक्ष को मजबूत करने से आपका मानसिक पक्ष तब मजबूत होगा। यात्रा करने के आप शौकीन होंगे।
कुंडली के जिस भाव में धनु राशि होती है उसका भाग्य से भी संबंध होता है। मान लीजिए कि धनु राशि अगर छठे भाव में है तो जितना आप अनप्रिविलेज्ड जो लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, जितना आप उनकी मदद करेंगे उतना आपका भाग्य प्रबल होगा। अगर धनु राशि चौथे भाव में है तो आपके जन्म स्थान पर ही आपका भाग्य प्रबल होगा, वहाँ पर ही आप रहेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर धनु राशि पंचम भाव में है तो जितनी आप अपनी लर्निंग बढ़ाएंगे, ज्ञान जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे उतना आपका भाग्य आपका साथ देगा। अगर धनु राशि 12वें घर में है तो जन्म स्थान से दूर रहने से, यानी एक जन्म स्थान का जो आपका कल्चर है, वातावरण है, उससे डिफरेंट कल्चर और वातावरण में जाकर रहने से आपका भाग्य प्रबल होगा। मकर राशि की अगर बात करें तो मकर राशि चर राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, शनि इस राशि के स्वामी होते हैं और काल पुरुष के जन्मांक में ये कुंडली के दशम भाव में पड़ती है। तो मकर राशि में कैरियर, शासन, पद प्रतिष्ठा यानी स्टेटस, पावर, वर्चस्व, अथॉरिटी, अनुशासन, व्यापार, गवर्नमेंट से संबंधित जो काम रहते हैं, गवर्नमेंट कैरियर, आपकी वर्किंग एबिलिटीज़, कार्य करने की अक्षमता और आपकी सीरियसनेस कैरियर के बारे में, उसको रिप्रेजेंट करती है। इन सब गुणों, ये सारे जो गुण हैं ये मकर राशि में होते हैं। इसीलिए जो एक्शन ओरिएंटेड प्लेनेट है, एनर्जी का, एक्शन का जो ग्रह है मंगल, वो मकर राशि में उच्च का फल देता है और ज्ञान व धार्मिकता का जो कारक है ग्रह गुरु, वो मकर राशि में नीच का हो जाता है। अगर कुंडली के मुख्य ग्रह मकर राशि में हैं तो आप हर काम को व्यावसायिक दृष्टिकोण से करने वाले होंगे। निजी जीवन की तुलना में जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसको आप प्रायोरिटी देंगे। अथॉरिटी, वर्चस्व, स्टेटस की भूख रहेगी। आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बावजूद भी और अधिक की लालसा रहेगी। कुंडली में जिस भाव में मकर राशि होती है उस भाव से संबंधित कैरियर यानी कार्य आप कर सकते हैं। मकर राशि जैसे अगर दूसरे भाव में है तो आप अपना जो पारिवारिक व्यवसाय है उसको कर सकते हैं, ज्वेलरी का काम कर सकते हैं, बैंकिंग फाइनेंस का काम कर सकते हैं। अगर मकर राशि पंचम भाव में है तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। अगर मकर राशि चौथे भाव में है तो प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, होम, घर से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनका काम आप कर सकते हैं। कुंभ राशि को अगर हम समझें तो कुंभ राशि स्थिर राशि है, लेकिन इसका तत्व वायु है तो वायु में स्थिरता नहीं होती है। इसीलिए कुंभ राशि अपरंपरागत विचित्र राशि है। काल पुरुष के जन्मांक में ये 11वें भाव में पड़ती है, शनि इस राशि के स्वामी हैं तो इच्छा पूर्ति, उम्मीदों व खुशियों का पूरा होना, बड़े सामाजिक सर्कल बनाना, व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल, इन सब को कुंभ राशि रिप्रेजेंट करती है। मुख्य ग्रह आपकी कुंडली के यदि कुंभ राशि में है तो गंभीर स्वभाव होने के बावजूद आपका जो सोशल सर्कल होगा वो बड़ा होगा और उसी सोशल सर्कल से आप लाभ भी कमाएंगे। सभी का भला चाहने वाले, कंपटीशन को पसंद ना करने वाले, ऐसा आपका स्वभाव होगा। हमेशा कुछ नया करने की इच्छा रहेगी। कुंडली के जिस भाव में कुंभ राशि होती है उस भाव का आपकी इच्छाओं की पूर्ति से सीधा संबंध होता है। जैसे कुंभ राशि अगर दूसरे भाव में है तो इच्छा पूर्ति के लिए आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, खान पान पर ध्यान देना होगा। कुंभ राशि अगर पंचम भाव में है तो इच्छा पूर्ति संतान के बाद होगी। अगर कुंभ राशि सप्तम भाव में है तो इच्छा पूर्ति विवाह होने के बाद होगी। कुंभ राशि 12वें भाव में है तो इच्छा पूर्ति के लिए आपको दान करना होगा, मेडिटेशन करना होगा। अगर कुंभ राशि चौथे भाव में है तो जन्म स्थान पर ही इच्छा पूर्ति होगी। आपको अपना जो डोमेस्टिक एटमोसफियर है, घरेलू वातावरण, उसको ठीक रखना होगा। दोस्तों, मीन राशि को अगर हम समझें तो मीन राशि जलीय राशि है, जल तत्व की, दृढ़ स्वभाव राशि है। काल पुरुष के जन्मांक में 12वें भाव में पड़ती है और गुरु बृहस्पति मीन राशि के स्वामी हैं। तो मीन राशि के कारकत्व में कल्पनाशीलता आती है, मानसिक अक्षमता, साइकिक एबिलिटी, सिक्स्थ सेंस जिसे कहते हैं, अध्यात्म, मोक्ष, अकल्टिज्म की कारक भी है मीन राशि। विदेशी जो स्थान होते हैं, फॉरेन प्लेसेज, उनको रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा आइसोलेटेड जो प्लेसेज हैं, हॉस्पिटल, मेडिटेशन की जो जगह होती है या जेल है, इन सबको भी मीन राशि रिप्रेजेंट करती है। चैरिटी, दान करना और चीज़ों का व्यय,
शारीरिक व्यय भी और धन का व्यय भी, इन सब को भी मीन राशि रिप्रेजेंट करती है। अध्यात्म, मोक्ष, डिवाइन लव जो दिव्य प्यार होता है, और मेडिटेशन, इन्हीं सब गुणों के कारण मीन राशि में ये सब गुण होते हैं। इसीलिए जो शुक्र है वो यहाँ पर उच्च का फल देता है। और कल्पनाशीलता और लोसिज यानी कि व्यय की राशि होने के कारण कैलकुलेटिव और एनालिटिकल जो गुणों वाला ग्रह है बुध, वो यहाँ पर नीच हो जाता है। कुंडली के मुख्य ग्रह यदि मीन राशि में है तो स्वभाव में कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन पावर अच्छी होती है, स्वभाव में बेचैनी भी रहेगी, विचारों में अस्थिरता भी रहेगी, इंट्यूटिव पावर अच्छी होगी, दान और चैरिटी करने में विशेष रुचि होगी। कुंडली के जिस भाव में मीन राशि होती है वहाँ पर व्यय या चैरिटी हो वहाँ पर व्यय या चैरिटी करनी चाहिए, वहाँ पर होती भी है। अगर मीन राशि चौथे भाव में है तो फैमिली पर ही व्यय होगा, छठे भाव में है तो रोगों पर खर्चा हो सकता है। मीन राशि अगर अष्टम भाव में है तो चैरिटी गुप्त रूप से करनी चाहिए। अगर मीन राशि नवम भाव में है तो धार्मिक कार्यों पर आप व्यय करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह राशि के जो गुण धर्म हैं, क्वालिटीज हैं, उनको जो भाव और घरों का कारकत्व है उसके साथ मिलाकर आप फलित ज्योतिष में इसका उपयोग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।